हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है पाइथन लूप्स। पाइथन में लूप्स कैसे यूज़ करते हैं, लूप का यूज़ करके आप कैसे अपने सारे प्रोग्राम बना सकते हो, जो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो लूप का यूज़ करके। पाइथन में कितने टाइप्स की लूप्स होती हैं और कैसे वर्क करती है उसके बारे में देखेंगे। इसके पहले का वीडियो इफ एल्स स्टेटमेंट पर मैंने बना दिया है, तो आप देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, राइट। तो आज का टॉपिक है पाइथन लूप्स। तो पाइथन लूप्स कौन कौन सी है? व्हाइल लूप। पाइथन लूप्स कौन कौन सी है? फर्स्ट है व्हाइल लूप और फॉर लूप। पहले व्हाइल लूप देख लेते हैं, व्हाइल लूप पाइथन में कैसे वर्क करती है। व्हाइल लूप, विद द व्हाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू, राइट। तो आप व्हाइल लूप में क्या कर सकते हो, आप अपनी कोई भी कंडीशन आपको जो देनी हो, आप जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट में कैसे कंडीशन देके आप, अगर आपकी इफ में आप ट्रू प्रिंट कराते थे और एल्स में जो आपका सेकंड आंसर हो उसको प्रिंट कराते थे, राइट। जो फिर आपका जो आंसर आता था जो सही होगा वही आएगा। तो उसी तरह से व्हाइल लूप में क्या है, विद द व्हाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। आप व्हाइल लूप में अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हो, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक व्हाइल लूप उसको प्रिंट नहीं कराएगा, राइट। तब आप व्हाइल लूप में कंडीशन दे दोगे, राइट, अपनी जो भी स्टेटमेंट है आपने दे दी कि हाँ मेरी ये स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कराना है। तो देखिए, मैंने पहले एक वेरिएबल लिया, i इक्वल टू 1 लिया। व्हाइल लूप में मैंने उसको स्टेटमेंट दी कि i इज लेस देन 6। जो मेरा i होगा वो किससे छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। उसके बाद मैंने प्रिंट क्या कराया, i। प्रिंट में मैंने i में क्या दिया है, 1 दिया है, और प्रिंट मैंने i कराया है, पर कंडीशन मैंने क्या दी, यहाँ पे स्टेटमेंट दी है i इज लेस देन 6। अब देखिए, खाली मैं प्रिंट i करती ना तो आपकी लूप खाली 1 के साथ बहुत सारी घूमती रहती कि 1 1 1 1 1 ऐसा प्रिंट कराती रहती, पर मैंने यहाँ पे इसको क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है कि i इज लेस देन 6 होना चाहिए, उसके आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इसलिए मैंने इसको देखी। इसीलिए लूप का क्या वर्क होता है कि आपकी जो भी आगे की जो वैल्यू है उसको लूप में घुमाती नहीं रहेगी, राइट। अगर आपने उसको वाइल लूप में खाली वाइल दिया होता, राइट, तो ये घुमा देती कि 1 से लेकर आगे तक जितना जाना उतना जा सकते हो, आपने इधर कोई स्टेटमेंट नहीं दी होती तो, राइट। पर आपने यहाँ पे क्या दी है, स्टेटमेंट कि आई इज लेस देन 6। तो वाइल लूप यही वर्क करती है कि वाइल लगाकर आप उसकी स्टेटमेंट लिख दो जो आपको चाहिए। अब दूसरी लैंग्वेज में करते थे तो यहाँ पर ब्रैकेट होता था, आपको ध्यान रखना है पाइथन में ब्रैकेट यहाँ पर नहीं आएगा, आपको वाइल करना है, आपकी स्टेटमेंट लिखनी है और यहाँ पे दो कॉलन का साइन लगाना है। तो देखिए, आई इज लेस देन 6, फिर मैंने प्रिंट आई कराया है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रिंट आई कराया, उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है आई प्लस इक्वल टू 1। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि आपको क्या वैल्यू चाहिए, आई इज लेस देन 6। मुझे क्या चाहिए कि i की जो वैल्यू हो वो किससे छोटी होनी चाहिए, 6 से छोटी होनी चाहिए। अगर आप खाली प्रिंट i करा दोगे तो आपका ये कंडीशन का आंसर जो आपने दिया है वो नहीं आएगा, इसलिए आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए, i प्लस करोगे तो ये जो पहले i आई है, i का तो 1 ही रहेगा, पर अब आपने i प्लस किया है तो ये 1 है, इसका जो सेकेंड आंसर आएगा तो 1 में प्लस 1 हो जाएगा तो क्या आएगा, 2। फिर 2 में क्या हो जाएगा, i प्लस 1 हो गया, राइट, तो 2 हो गया, तो i अपना क्या हुआ, 2 हो गया, राइट। पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर i रहेगा तो पहला 1 है i आपका, देखिए i रहेगा तो पहला 1 दिया मैंने, i इक्वल टू 1, फिर मैंने क्या करा है, i प्लस इक्वल टू 1, राइट। तो प्लस 1 किया, 1 प्लस 1 2, तो अब मेरा क्या स्टोर हुआ, 2। तो 2 प्लस तो क्या आएगा, 2 प्लस 1, राइट, तो क्या हुआ, 3 हुआ। उसके बाद 3 प्लस 1 क्या हुआ, 4 हुआ। 4 प्लस 1, अब 5 के बाद क्या होगी, मेरा लूप है जो रुक जाएगी, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या दी है कि i इज लेस देन 6, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि हाँ इसका आंसर ये आ गया कि लेस देन 6 होनी चाहिए, इसलिए 5 पर रुक गई, राइट। यहाँ पर अगर मैंने ग्रेटर देन लिखा होता तो लूप और आगे बढ़ती रहती, राइट। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि लेस देन 6 होनी चाहिए, इसलिए लूप यहीं पर ख़त्म हो गई। तो ये था व्हाइल लूप का आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाइल लूप में आप ब्रेक स्टेटमेंट लगा के, जैसे मैंने यहाँ पे अभी मैं इसको समझाती हूँ, उसके आगे यहाँ पर आपको बता देती हूँ। अगर इसको ब्रेक करना है आपको बीच में कि हाँ मुझे खाली 3 तक चाहिए, तो ब्रेक स्टेटमेंट का आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट का कैसे यूज़ होता है।
विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द व्हाइल कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पर देखिए मेरी कंडीशन क्या थी, ट्रू थी ना, आई इज लेस देन सिक्स, मुझे लेस देन सिक्स तक वैल्यू चाहिए थी। अब इसमें अगर आप सोचोगे कि हाँ मुझे इसको ब्रेक करना है बीच से, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। खाली ये प्रोग्राम लिखा और आप बीच में स्टॉप करना चाहोगे तो इसमें नहीं हो पाएगा, खाली व्हाइल लूप आपने यूज़ किए तो। इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, वो स्टेटमेंट क्या है, द ब्रेक स्टेटमेंट। अगर आपकी कंडीशन सही है तो भी आप बीच में लूप को स्टॉप कर सकते हो। देखिए आई इक्वल टू वन दिया मैंने, व्हाइल आई इज लेस देन सिक्स प्रिंट आई, राइट। यहाँ तक सेम एज ऊपर जैसा प्रोग्राम है, तो मैंने क्या किया प्रिंट आई किया। अब देखिए यहाँ पे मैंने इफ लगाया है, इफ आई इक्वल टू थ्री, मैंने नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो इफ एल्स का स्टेटमेंट पढ़ाया था उसका कैसे यूज करना है वही यहाँ पर यूज किया है मैंने, इफ आई इक्वल टू थ्री। देखिए ये यहाँ तक प्रोग्राम आपका कोड है, ये इसकी बॉडी का है, यहाँ से अलग है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, आई प्लस इक्वल टू वन। तो यहाँ पर देखिए मैंने आई इक्वल टू थ्री के बाद मैंने क्या स्टेटमेंट लगा दी, ब्रेक। तो मेरी जो भी आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट तो हुआ, वन प्लस वन क्या हुआ टू हुआ, फिर टू प्लस वन क्या हुआ थ्री हो गया, पर मैंने थ्री के बाद क्या कर दिया कि स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया। तब यहाँ पर कंडीशन तो मेरी सही है कि आई इज लेस देन सिक्स, पर मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, आई इक्वल टू थ्री तक ही मेरा प्रिंट कराना चाहिए, उसके बाद मैंने लगा दिया ब्रेक, इसलिए अब इसके आगे लूप नहीं जाएगी, थ्री तक ही रह जाएगी। तो इसी तरह से आपको कभी फ्यूचर में प्रोग्रामिंग आप करोगे और आपको बस इतना ही प्रिंट कराना है, कंडीशन आपको ये देनी है पर आपको प्रिंट खाली 20 तक ही प्रिंट कराना है, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। तो ये काम है ब्रेक स्टेटमेंट का, कि अगर आपकी कंडीशन सही है तो भी, अगर आपकी कंडीशन सही है तो भी आपकी लूप को स्टॉप कर देगी बीच में, तो ब्रेक स्टेटमेंट का ये काम था। तो नेक्स्ट देख लीजिए, द कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये सारी वाइल लूप के अंदर ही सारी हो रही है कि आपको कौन कौन सी इसमें, वाइल लूप तो सेम ही है कि आपको इस तरह से लिखना है आपकी जो स्टेटमेंट है जहाँ पर कंडीशन देनी है, वाइल लूप का तो काम सेम ही है, पर अगर आपको बीच में कंटिन्यू कराना है, ब्रेक कराना है, तो उसके अंदर आप कौन कौन सी स्टेटमेंट लिख सकते हो उसके बारे में टॉपिक है सारे। तो देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। अगर आपको बीच में खाली एक ही वैल्यू को स्टॉप करना है, राइट, एक ही वैल्यू मुझे नहीं चाहिए बीच में से, जैसे 1, 2, 6 है, उसमें से मुझे 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो आप इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करके आप एक वैल्यू या एक या दो वैल्यू को जो भी आपको स्टॉप करना है उसको आप स्टॉप कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है, आई इक्वल टू जीरो व्हाइल आई इज लेस देन सिक्स, देखिए मेरी कंडीशन सही है। फिर देखिए आई प्लस इक्वल टू वन किया, राइट, तो इस तरह से इसमें स्टोर होता जाएगा, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू, तो देखिए तो इफ आई इक्वल टू थ्री। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिर से ब्रेक स्टेटमेंट की तरह यूज़ किया है, पर इसमें मैंने क्या यूज़ किया है, ब्रेक लगाया था तो उसने क्या किया, ब्रेक लगा दिया कि थ्री तक ही प्रिंट कराना है। अब कंटिन्यू में क्या करेगा कि इफ आई इक्वल टू थ्री तो कंटिन्यू करेगा, प्रिंट आई करेगा, तो देखिए प्रिंट आई किया है इसने, तो क्या करेगा कि ये जो हमने किया था इस वाली स्टेटमेंट को हमने कंटिन्यू करा दिया, तो देखिए वन और टू, तो थ्री हमारे प्रिंट कराएगा ही नहीं, तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट पे यहाँ पर जो लिखोगे कि प्रिंट नहीं कराएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से, आपको कोई आपको वैल्यू या कुछ भी नहीं चाहिए हो तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करके व्हाइल लूप में आप इस तरह से प्रिंट करा सकते। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देख लीजिए, पाइथन फॉर लूप, इसके पहले का टॉपिक था व्हाइल लूप का, और दो ही इसमें लूप यूज़ करते हो आप पाइथन में, व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो फॉर लूप में क्या है कि अ फॉर लूप इज़ यूज्ड फॉर इटरेटिंग ओवर सीक्वेंस दैट इज आइदर अ लिस्ट, अ टप्पल, अ डिक्शनरी, अ सेट और अ स्ट्रिंग। तो मैंने आपको सारे ये टॉपिक डेटा टाइप्स में पढ़ा दिए हैं कि लिस्ट का क्या यूज़ होता है, टप्पल का यूज़ क्या होता है, डिक्शनरी का और स्ट्रिंग का। तो ये सारे ये जो चीज़ थी हम एक ही लाइन में वहाँ पर प्रिंट करा रहे थे, तो और फिर उसका जो भी प्रिंट कराना था उसके टाइप से हम लिस्ट लिखते थे, टप्पल लिखते थे, डिक्शनरी लिखते थे। लिस्ट को यूज़ करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करते थे, टप्पल को लिखने के लिए हम कॉलन का यूज़ करते थे। ये सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं पाइथन के डेटा टाइप्स में, आप इसको डिटेल में वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर मैं खाली इसका यूज़ फॉर लूप में कैसे करना है वो दिखा देती हूँ। तो फॉर लूप का यूज़ करके आप इसके अंदर सीक्वेंस में लिख सकते हो कि फॉर लूप आपने यूज़ किया और टप्पल का, टप्पल जो भी आपका टप्पल का है वो आप फॉर लूप के अंदर लिख के अपना कंडीशन
वेरीफाई कर सकते हो. देखिए, दिस इज लेस लाइक द फोर कीवर्ड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वर्क मोर लाइक एन इटरेटर मेथड एज फाउंड इन द अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आप पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी इसी तरह से फोर लूप का यूज होता था. विद द फोर लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट वंस फॉर ईच आइटम इन अ लिस्ट टपल सेट. तो आप फोर लूप का यूज करके इसी तरह की जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट है, सेट ऑफ स्टेटमेंट मतलब बहुत सारी, राइट, आप एक नहीं उसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट लिख सकते हो. देखिए एग्जाम्पल में, देखिए मैंने फ्रूट का नाम लिखा है, फ्रूट्स का नाम लिखे हैं बहुत सारे, आप यहाँ पे और चाहो तो और भी लिख सकते हो. अब इन सारों को मैंने क्या किया कि एक ही वेरिएबल में मैं स्टोर करा देती हूँ. तो देखिए मैंने वेरिएबल क्या लिया, x लिया, तो मैंने फोर लूप का यूज़ किया और फॉर x इन फ्रूट्स, तो x किसके अंदर है, फ्रूट्स के अंदर है, तो मैंने प्रिंट क्या कराया, खाली x. यहाँ पे मुझे फ्रूट्स लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने फोर लूप में क्या दे दिया कि x इन फ्रूट्स, तो प्रिंट x किया तो मेरा आउटपुट ये तीनों जो है वो आ जाएगा. यहाँ पर आप लिस्ट यूज़ कर सकते हो, टप्पल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, ये सारी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पे, और फोर लूप में इस तरह से वेरिएबल स्टोर करा के आप आउटपुट ला सकते हो. तो आप देखिए पाइथन जब आप फोर लूप का यूज़ करोगे तो आप ये सारी कंडीशन जो आपकी हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, फोर लूप में भी यूज़ करके आप उसको ब्रेक कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, राइट. तो ये था काम पाइथन फोर लूप्स का. तो ये सारी लूप्स का आज, पाइथन की लूप्स का पूरा टॉपिक आज मैंने कवर कर दिया है. नेक्स्ट आगे का टॉपिक हम पाइथन में देखेंगे. आज के लिए इतना ही था. थैंक यू.